तो हमारे द्वारा कलेक्टर कार्यालय घेराव किया जाएगा, जिसको घेराव करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और दूसरी बात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले साल की कोरोना की जो गाइडलाइन थी गणेश उत्सव को लेकर, वही गाइडलाइंस को अभी वापस रिपीट किया गया है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि पिछले साल लॉकडाउन की स्थिति थी और अभी सारी चीज़ें लगभग खुल चुकी हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, मॉल हो, जिम हो, क्लब हो, होटल हो, सारी चीज़ें खुल अनलॉक हो चुकी हैं। उसके बाद भी पर्टिकुलर एक धर्म विशेष के लिए या हमारे गणेश भगवान के उत्सव के लिए इतनी कठिन कठोर गाइडलाइन बनाना कहीं ना कहीं एक पक्षपात को दर्शाता है, जिसका विरोध हम आज यहाँ पर करने के लिए आए हैं। और मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूँ, आप सभी ने देखा होगा कुछ दिन पूर्व डीजे बज सकता है, तो गणेश उत्सव में धूमधाम का डीजे क्यों नहीं बजेगा? हमारे भगवान भी राजेंगे, उनको भोग लगेगा, लेकिन प्रसाद नहीं बटेगा ना भंडारा होगा। हमारे लिए गाइडलाइन जारी की जाती है कि गणेश जी की मूर्ति की हाइट 4 फीट होगी। स्क्रीनिंग कीजिए, रजिस्टर रखिए, मास्क देके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन उड़ गई और प्रशासन देखकर रहा। हमसे कहा जाता है कि 4 लोगों की भीड़ होगी, विसर्जन में सिर्फ 4 लोग जाएंगे। हम अपने भगवान को धूमधाम से विदा करते हैं, कोई सब यात्रा नहीं है जो 4 कंधों में लेके जाएंगे। हमारे यहाँ अगर भीड़ बढ़ती है तो कोरोना बढ़ेगा, लेकिन मैं प्रशासन को बता देना चाहता हूं कि जो भी गाइडलाइन है पक्षपात ना किया जाए, सरकार के द्वारा हो या जिला प्रशासन के द्वारा हो, जिस टाइप का पक्षपात हिंदू समाज का किया जा रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जो गाइडलाइन है उनमें सुधार कर दिया जाए, हिंदू जनभाव फिर कर सकते हैं। आज यहाँ मैं डटेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, हजारों परिवार जिनकी रोजी रोटी गणेशोत्सव से चलती है, चाहे मूर्ति वाले हों जो एक बार मूर्ति बनाते हैं, साल भर उनका परिवार रोजी रोटी पाता है, चाहे टेंट वाले हों, चाहे डीजे वाले हों, चाहे आर्टिस्ट एसोसिएशन हो, चाहे कैटरिंग वाले हों, उन सब के रोजगार इससे जुड़े हुए हैं। आज ये स्थिति है कि सब कुछ अनलॉक हो गया है, उसके बाद भी अगर ऐसी छूट नहीं दी जाएगी गणेशोत्सव में, तो सारे परिवारों के सामने रोजी रोटी की समस्या है और वो आज भुखमरी की स्थिति में, तो मरता क्या ना करता, उससे अच्छा है कि लाठी खा लेता। आज हम सब यहाँ पर खड़े हुए हैं अपने भगवान के लिए, अपने धर्म के लिए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ ना कि कोई भी इंसान या कानून भगवान से ऊपर नहीं होता, भगवान भगवान है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो हमें अनुमति लेनी पड़े अपने भगवान को विराजने के लिए, हम बिना अनुमति के अपने भगवान को विराजेंगे और जिसको जो कार्रवाई करनी है कर ले। भगवान विराजेंगे, भोग भी बटेगा, भंडारा भी होगा और डीजे भी बजेगा। जय श्री राम। 1, 2, 3, 4 हमारी मांगे पूरी करो। 1, 2, 3, 4
और यहां पर लाठीचार्ज कर दिया गया पुलिस द्वारा राहुल चौधरी और उनके कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज।
साउंड चालू करवाइए, चालू करवाइए, सब खींच दिए, तोड़ दिए, चालू करवाना है हम लोग सबको गलत बात है कि नहीं बात बात करने के लिए अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं भाई हम ज्ञापन दोनों उसके बाद करते रहेंगे डीजे वीजे बजाने जो भी चीजें देखेंगे फीट के मूर्ति को 8 फीट किए मूर्ति पंडाल भी लगा सकते हैं प्रसाद भी वितरण कर सकते हैं मंडप के सामने 50 व्यक्ति 100 व्यक्ति का भी जो है वो कर सकते हैं ध्वनि विस्तार यंत्र के लिए इसलिए बोला गया है जो छोटे छोटे लोग हैं वो लोग जाके हल्ला करेंगे और आप लोग का नाम बदनाम होगा ध्वनि विस्तार यंत्र का बेइज्जत जो परमिशन है उसको ले लीजिए उसका टाइम लिमिट कुछ भी है और पढ़ाई लिखाई का जो सीजन है किसी का नुकसान मत हो आप करिए उसका भी करिए प्रयोग आप विसर्जन के टाम भी ले जाइए उसको भी बोले भाई आदमी डीजे जा रहा हूं क्यों नहीं विसर्जन के समय जाना विसर्जन के समय सर ये तो सर सुनिए ना सर दो मिनट सुनिए सर विसर्जन के लिए जो मेन पावर जो गिनती का दिया गया है उसमें संशोधन करवाइए ना 4000 हो जाएगा अब 100% तुम लोग की बात नहीं होगी लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ भैया लिखा पड़ी करवा लिखा पड़ी ले लो ये आप कल का होगा ठीक है लिखा पड़ी करो चेंज कीजिए ठीक है ठीक है नहीं होगा सर सर चेंज करा दीजिए और वो चीज को नहीं देना माइक को देना सारा चीज को तो मैं बोला हूँ बस इस चीज के लिए राइटिंग में आ जा राइटिंग में रोहित भैया जो भी चीजें हो रही है राइटिंग में लेंगे आपका लेटर आएगा हम घर जाएंगे कैसे तेजियों अरे रुको हमने बोला है वो चीज संशोधित है ये के सामने बोल रहे हैं डंडा जी के सामने बोल रहे हैं भाई आपकी बात को माना है ओके सारे पॉइंट चेंज होंगे जो तेरे पक्ष में हमारे पक्ष में हिंदू धर्म के पक्ष में है वो सब होगा होगा जय श्री राम बोलो जय श्री राम अंतिम निर्णय क्या आया गणित सूत्रों को लेकर जो गाइडलाइन जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई थी उस शर्तों को मानना लगभग संभव था उन शर्तों को लेकर हम विरोध प्रदर्शन किया गया था घेराव किया गया था और जिला प्रशासन के द्वारा हमारी सारी शर्तों को बंद गया है जो जारी की गई उसमें पूर्ण संशोधन कर दिया ये बताएं कितने की भीड़ यहाँ पर रही होगी लगभग 5000 की भीड़ यहाँ पर उपस्थित थी पूरे शहर के लोगों के द्वारा समर्थन में आस पास के ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी हिंदू समाज सब समाज के लोग थे उनका सहयोग सारे लोग सारे लोग साधना की लड़ाई झूमा झटकी की भी स्थिति निर्मित हुई थी किस कारण से वो स्थिति निर्मित हुई क्या जब प्रशासन हमारी मांगे नहीं मान रहा था प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा था उस स्थिति में हिंदू भाई लोग थोड़े से आकर्षित हो गए थे उस स्थिति में थोड़ी झूमा झटकी स्थिति हुई जब प्रशासन ने कहा
थोड़ी सी रकम हो गई थी हमारे भाइयों के साथ, उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ।